हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आयर रिमोट टेस्टर बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक आयर सेंसर की ज़रूरत होगी, जो आपको सीडी या ख़राब यूएसबी पैनल में मिल जाएगा। इस सेंसर का जो फर्स्ट पिन है वो है आउटपुट, और मिडिल वाला पिन जो है वो ग्राउंड है, और थर्ड पिन जो है वो पॉजिटिव है। इस प्रोजेक्ट में आपको एक एलईडी की ज़रूरत होगी और एक बज़र की भी ज़रूरत होगी। आप जो है बज़र का प्लस या माइनस पॉइंट देख के लगाइएगा, वरना ये बज़र ख़राब हो जाएगी। पहले हम वो जो सेंसर है उसका फर्स्ट पिन में एलईडी का माइनस और थर्ड पिन में एलईडी का प्लस जोड़ देंगे। इस सेंसर से आप सीडी, टीवी और ब्लूटूथ पैनल का कोई भी रिमोट चेक कर सकते हैं कि ख़राब है या ठीक है। इस सर्किट का सर्किट डायग्राम जो है मैं वीडियो के कॉर्नर पे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बजर का नेगेटिव पॉइंट है उसे जो है सेंसर का फर्स्ट पिन में जोड़ेंगे, और जो पॉजिटिव पॉइंट है उसे हम सेंसर का थर्ड पिन में जोड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम एक 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहे हैं। उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम सेंसर का थर्ड पिन में, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम सेंसर का मिडिल पिन में जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सर्किट जो है रेडी हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम चेक करेंगे कि कैसे वर्क करता है। एक और बात फ्रेंड, मैंने इस सर्किट पे पहले एक रेड एलईडी लगाया था, अब मैं इसे ग्रीन एलईडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो एलईडी ख़राब हो गया था। फ्रेंड्स, अब जो है हम इस सर्किट को चेक करेंगे कोई भी कंपनी का या कोई भी टीवी या होम थिएटर का रिमोट से। मैं यहाँ पर एक होम थिएटर का रिमोट यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, ये रिमोट ठीक है, इसलिए बजर भी बज रहा है और ग्रीन एलईडी जो है वो भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये रिमोट ठीक है। अब इस सर्किट से हम जो है एक दूसरा रिमोट का भी चेक करेंगे। एक टीवी का रिमोट है, मतलब सेट टॉप बॉक्स का, देखिए फ्रेंड कोई एलईडी ब्लिंक भी नहीं कर रहा है और जो है बजर भी नहीं बज रहा है। इसका मतलब जो ये रिमोट है वो ख़राब है। देखिए, मैंने बैटरी भी डाला हुआ है रिमोट में, ये रिमोट जो है ख़राब है। अब हम जो है इससे और एक रिमोट को चेक करेंगे। इसमें पहले बैटरी डाल लेते हैं हम, अब जो है चेक करेंगे। देखिए, वो रिमोट का एलईडी भी ब्लिंक कर रहा है और जो बजर है वो भी बज रहा है और सर्किट का एलईडी भी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये रिमोट ठीक है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से जो है हम वो ख़राब रिमोट को चेक करेंगे। देखिए, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, इसे आप फेंक दीजिए, ये कोई काम का चीज़ नहीं है। और देखिए, जो ठीक अच्छा रिमोट है वो उसमें एलईडी ब्लिंक कर रहा है और जो बजर है वो भी बज रहा है। इसका मतलब ये रिमोट पूरा ओके है, अब इसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड, इससे हम जो है कोई भी फ़ोन का आयर सेंसर वर्क करता है या नहीं करता है उसे भी चेक कर सकते हैं। इस फ़ोन का जैसे ठीक है आयर सेंसर, देखिए बजर बज रहा है। We'll be right back.